हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे लो, और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि ठंड के मौसम में तो सबके यहाँ बनता ही होगा, तो हम लोग को भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो वही मैं बना रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पर मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, कैमरा ऐसा कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेकर आई हूँ 4 kg गाजर का हलवा, क्योंकि हम लोग 4 kg में हो जाता है, 4-5 kg में हो जाता है, क्योंकि हम लोग आदमी बहुत कम है लोग घर में, तो इसीलिए। तो मतलब गाजर के हिसाब से ऐसे करिए ना यार फोन। तो अम्मी को कैमरामैन बनाई हूँ इसीलिए। तो गाजर के हलवा मतलब गाजर के हिसाब से उसमें कितना कितना सब सामान पड़ेगा उस हिसाब से मैं लाई हूँ। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ चीनी 1/2 kg का पैकेट। मैं 1/2 kg, मैं चाहती तो 1 kg भी ले लेती, लेकिन 1/2 kg का इसलिए ली हूँ ना कि अगर 2 पैकेट डालना होगा तो 2 पैकेट डल जाएगा, 1 पैकेट डालना होगा, 1 पैकेट तो नहीं डलेगा, क्योंकि हम लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं लोग खाना। और मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ मावा, 250 मावा लेकर आई हूँ, 250 बनने में, और फिर जो ऊपर से डलाता है ऊपर के लिए, एक बनते टाइम में जब गैस पे रहता है तभी ये डलाता है मेरे ख्याल से। वैसे मैं पहली बार आज गाजर का हलवा बनाऊंगी, आज से पहले मैं कभी नहीं बनाई हूँ, तो बस ये बात है। और 250 ऊपर से तो डलाता ही है। क्या हुआ है? अम्मी बनाई है, अम्मी बनाते आई हैं, मतलब हर ठंड के मौसम में अम्मी बनाती हैं हलवा, लेकिन मैं आज पहली बार बनाऊंगी अपने हाथों से। और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ किशमिश, क्योंकि किशमिश हम लोग उतना पसंद नहीं करते लोग, इसीलिए। एक मेरा भाई है, देखिए अम्मी ऐसे फोन टेढ़ा कर दे रही है मुझे। मैं इसीलिए ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, ब्लॉगिंग करने में इतना प्रॉब्लम होता है ना, कोई कैमरा मैन एक होता है ना, अब मतलब एक हाथ से पकड़ के हम कैसे क्या दिखा सकते हैं, ऐसे करिए। तो गाइज अब मुझे ही कैमरा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अम्मी चली गई, उनका हाथ में दर्द होने लगा था, ऐसे ऐसे फ़ोन कर रही थी, तो हर किसी से नहीं हो पाता है ना ये काम, तो बस यही बात है। तो गाइज यहाँ पर मैं लेके आई हूँ पतंजलि का काऊ घी। पहले मैं अनीक का घी लेकर आई थी, फिर अम्मी वापस करवा दी हैं, क्योंकि अम्मी को यही पसंद है पतंजलि का घी, और एक होता ना एक ब्रिटानिया का, नहीं एक और कोई घी है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो अम्मी को पसंद है, और एक ये पसंद है अमूल का। हाँ अमूल का घी अम्मी को मतलब अम्मी वही यूज करती हैं, अमूल का घी ऐसे पराठा वराठा बनने में या फिर हलवा हलवा बनाने में अमूल का ही घी यूज करती हैं, या पतंजलि का, अनीक का नहीं यूज करते हैं लोग, क्योंकि अनीक में थोड़ा सा भी होता है ना। और गाइज सबसे पहले मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, क्योंकि मैं सुबह से नाश्ता नहीं की हूँ, सुबह उठी हूँ और कुछ काम वाम करके उसके बाद से मैं डायरेक्ट मार्केट चली गई हूँ सब यही सब सामान खरीदने, तो क्योंकि और कोई है भी नहीं घर में लाने वाला, तो मैं ही गई हूँ सब सामान वान खरीदने। और फिर अभी आई हूँ, तो अभी कितना टाइम कितना हो रहा है बता रहे हैं, अभी 1:30 बजने वाला है, 1:20 हो रहा है, और मैं अब जा रही हूँ नाश्ता करने खाने के टाइम में। तो मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, और अब अभी मैं बैठ के गाजर कद्दू कस कर रही थी, और मेरा हाथ दुख चुका है, अब अम्मी कर रही हैं, दिखाती हूँ आप लोग को, मतलब हाथ दुख गया करते करते, आधा तो हम किए आधा से ज़्यादा अम्मी कर रही हैं। यहाँ पर अम्मी कर रही हैं कद्दू कस, बस इतना बाकी है, इतना हो चुका है। और तो यहाँ पर मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, जो क्या कहते हैं उसे, डेगची में जो फोरन वोरन डलाता है हलवा में, वही। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हलवा पूरा रेडी हो चुका है, और मैं फोटो डाल रही हूँ। तो आज है 31 दिसंबर, और आज इतना ज़्यादा ठंड है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बाहर बारिश भी हो रही है, तो मुझे कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, बस दिल कर रहा है खाऊं और कंबल में पड़ी रहूं। और कल मैं बनाई थी हलवा, जिसका मैं फ़ोटो डाली हूँ, क्योंकि कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का और खाते हुए वीडियो बनाने का, बट मैं खाई थी पर वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी हलवा बनाते बनाते, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, तो फ़ोटो डाली हूँ उसके लिए सॉरी। और